और ये रहा अपना नेक्स्ट ब्लॉग शुरू हो चुका है। यहाँ पर आए थोड़ा सा गन्ना खाने के लिए और यहाँ पर देख ही रहे हैं भैया किस तरह से बना रहे हैं। किस तरह से बन रहा है हम लोग गन्ना का जूस और इधर लगा हुआ है जनरेटर अपना। और आज का ब्लॉग में ये लोड बढ़ने के बाद इसका पिकअप पकड़ता है थोड़ा सा आपको पकड़ाते हैं, देखिए इसको जब लोड पड़ रहा है ना जनरेटर को तब ये अपना पिकअप पकड़ रहा है। मेरे ख्याल से हम लोग का तैयार हो चुका है, तैयार हो रहा है। और ये अपना पतंजलि, जो पतंजलि का ये है इसके पास ही हम लोग बहुत सारे बोले हैं। ये पतंजलि का यहाँ पर भी बैनर देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि इसके सामने है। और इसके सामने जस्ट अपना कैसा है और यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा टेस्ट करके कैसा कैसा फील हो रहा है। बहुत ही मीठा और पूरा अपना ये में रख के आप पॉज कर दो भाई। सच में भाई काफी टेस्टी लग रहा है, मतलब काफी मीठा है। और भाई ग्लास का साइज भी काफी बड़ा है, हम लोग को उधर थोड़ा सा छोटा मिलता है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है। और हेलमेट तारो फिर तो बाहर करते हैं सर, इन्होंने बहुत हमारी सेवा करी है, सेवा करने के लिए तैयार है। पहले भी करी थी, पहले भी हमारी इन्होंने बहुत सेवा करी और अब भी इतनी सेवा करी कि हम सोच भी नहीं सकते हैं भोलेनाथ की कृपा से कि हम जो नहीं सोचा था हमने वो हुआ हमारे साथ। कि सब लाइट की व्यवस्था, सब पानी की, सोने की सब व्यवस्था हमारे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था, मतलब कहने की देर है काम पहले हो जाता है अंकल, पहले कर देते हैं। ऐसा एहसास नहीं हो रहा कि उत्तराखंड के अंदर आके साउंड मान रहे हैं, मतलब कुछ भी चीज़ का जरूरत हो रहा है तो जैसे घर में जैसे अपना एक गार्जियन रहता है ना तो उनके तरह भैया हम लोग का सपोर्ट करा हर एक चीज़ में। मतलब 50 लड़का बाहर लेके है लेकिन लग रहा है मतलब भैया के साथ है, कुछ होगा दिक्कत होगा पूरा भैया अपने हिसाब से। ये भैया इनके शॉप है, भैया ये इनका सारा सिस्टम है, भैया का हमारे पेट्रोल पंप है भाई, पीछे तक सिस्टम है, पीछे तक पूरा पीछे ये पूरा करंट बिजली पानी सारा चीज मतलब अपना घर जैसे यहाँ पर अपना यूज कर रहे, तो मेरे तरफ से तो ये धन्यवाद है। दो बात आप भी बोलिए, शंकर भगवान की जय, वीर बजरंगे हमारे। आप भीड़ देख सकते हैं, किस हिसाब से चल रहा है, खाली बॉक्स अनबॉक्सिंग हुआ है अभी, कितना माल लोड हुआ था उसका अनबॉक्सिंग हो रहा है। और आप देख सकते हैं यूट्यूब लोग का भीड़ कैसा है, बहुत बढ़िया भैया। हरिद्वार वाले को साथियों का बहुत साथ मिल रहा है, इधर से आओ डिब्बा साइज खिलाएगा भाई, भाई ऐसी बात नहीं है भाई, खाते रहो खाते रहो, इसीलिए छोटे साइज वाले मंगवाए गए। बहुत बढ़िया भाई, ताली हो जाए भैया, प्रसाद बांट दो। बहुत सारे हैं साथी, भूख लग रहा है। अरे यार 45 मिनट का समय है, वीडियो कॉल पे इन्होंने मुझे ट्रोल दिया यार, ये एक ट्रोल मैंने यार साइड में दबाओ, मैं तो 2 साल से मैं साउंड लगा रहा हूँ।
मुझे पता है। ये रहा हमारा ऊपर का सीन ऑडियो टोन, यहाँ पर काम चल ही रहा है और यहाँ से लोडिंग हो रहा है। लाइव में तो सारा चीज बता देंगे, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा खींचल है। ऊपर में काम करना भीड़ भी बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन रोड है जिसके चलते हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। रोड अगर नहीं रहता तो कोई जंक्शन नहीं रहता। मेरा बॉडीगार्ड अभी हमेशा सपोर्ट में है। डायलॉग मार दो, एक बार डायलॉग तो मार दो। बक्की बक्की में दे देंगे, बोले जय बाबा जी, जय बाबा जी। अच्छा इसका डेमो दिखा, ये सीडी बजता कैसे? अच्छा किस काम के लिए ये? ये गाड़ी को आगे करने के लिए, गाड़ी को आगे करने के लिए। बैकयार्ड का कोई सिस्टम नहीं है। ट्रैफिक जो जाम लग रहा था उसका क्या हिसाब है? सब हो जाएगा ना, सब केवल। और इधर भैया लोग भी है, इधर प्रिंस भैया, एक भैया इधर अपना चाय बन रहा है। स्पेशली हमारे भाई हमारे जाने वाले जो मेरे कुछ नंबर बोल रहे थे कि हमने भाई को और जो मराठी आए थे ना हमारे के लिए, दोनों ने बोला कि हमारे तो वो घुस रही है उस पार्टी को आपके साथ। तो टेस्टिंग कब पे लगेगा आपके? आपका यूट्यूब चैनल है या इंस्टाग्राम चैनल? मेरा यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम भी है। मतलब कि मैं डायरेक्ट लोकेशन का पता चलेगा कि मेन बात है कि पहले मैं छोड़ ही नहीं सकता, मतलब 25 बस आप लोगों को पसंद आ जाए वही बोल रहे, क्योंकि मैं तो रेगुलर आने भी नहीं सकूंगा ना। अमर जा रखा है 3 बार आपके झारखंड में, अगर इस बार आप पता नहीं तो रेगुलर तो आपको आना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, रेगुलर तो आपको भैया भी ये बात आप यहाँ से भी भैया आप ये बताओ अगर उत्तराखंड वालों को ये बार इस बार पसंद आ गया तो आप कई बार आओगे या नहीं आओगे? क्यों नहीं आएंगे अभी तक, मतलब ऐसा आप झारखंड देखो सबसे अलग सिस्टम है आपका, हम चाहेंगे कि आएंगे लेकिन पूरा टीम को भी देखना होगा। नहीं टीम, मेरी बात टीम को पसंद आता है। आप सबसे हटके आए हो ट्रक में, आज तक किसी ने ट्रक में नहीं लगाया, बट आपको देखना चाहते 50, 20, 100, 200, 500 लड़के आपको चाहिए ना, आपको ठीक है? आप फर्स्ट बार आते हैं इस बार, वेलकम है, आपका स्वागत है। वही तो बोले ना कि आदमी से जुड़ने के लिए ही मेरा मेन टारगेट है कि आदमी से जुड़ सके। बिल्कुल बाजा तो है, कल यहाँ बजेगा कल वहाँ बजेगा। नहीं नहीं जल्दी अगर यहाँ पर आए तो कम से कम ये तो बोलने सकेंगे कि वहाँ भाई 4 भाई है। कसाना वाला ये बोल रहा था कि किसी भी समय बुलाने से तो कम से कम 7 तो देंगे। कसाना वाला डीजे डीजे की कंपटीशन कर रहा है, ये बात नहीं बोल कॉम्पिटिशन की नहीं। आपने मुझे मेरे सुनने में आए थे कि कसाना अलग अलग टीम हो गई है कि अमर के सामने भाईचारे के वाले गाने चलाएगा भाईचारा। भैया यूपी की छोड़ो उत्तराखंड में हरिद्वार की बात कर रहा हूँ भैया, यूपी की छोड़ो और उत्तराखंड की छोड़ो आप सॉरी भैया, बट हरिद्वार की बात कर रहा हूँ, हर की पैड़ी की सार्जन छाया हुआ यहाँ पे कि सार्जन को डीजे आ रखा है झारखंड से।
सार्जन आ रखा है। मैं यूट्यूब पे फेसबुक पे इंस्टा पे देख रहा हूँ सार्जन छाया हुआ है। सार्जन कोई बात नहीं, सार्जन 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 भी आता है, वेलकम है। मेरा काम है बाजा लगाने का, ये आप लोग का बाजा है। बाजा नहीं है भैया, कैसे मनोरंजन भाई आपको है ना। टोले में लगते हैं, टोले में थोड़ा सा आपका पहली बार सेटअप ही अलग हुआ। देखते हैं क्या ये बस आप लोग कुछ बोले मारा बोले 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 मारा अगर ऐसा दूसरा है तो कोई कोशिश करें। माइक तो हां मैंने पास देखो बड़ी कोशिश होते हैं सब होना, बट डीजे के डीजे अगर डीजे से अलग आते और जाना तो वेट करना आएंगे ही। हम पहले ही क्या बोले कि मैं ये तो ऑप्शनल है, ये तो मनोरंजन का चीज है, इसके साथ साथ हमको आदमी जुड़ना है बिल्कुल बिल्कुल, जो इसके छोड़ के भी मतलब ये लगे कि कल दिन यहाँ आने से बिल्कुल बिल्कुल। देखिए घर का तो रिलेशन कोई नहीं लगेगा, लेकिन जो आपस में जो एक भाईचारा है, भाईचारा भाईचारा से बड़ा कोई नहीं, कोई नहीं है। ठीक है, अभी भी मान लीजिए जितना लिखा लड़का है जितना भी जुड़ा भाईचारा फिलहाल उत्तराखंड के अंदर आपके साथ ही जाता है, आपका ही नाम जाता है। यार जैसे लाइट सेक्शन में थोड़ा सा समय लगता है दबाई था, ये तो समझ सुबह तक नजारे कुछ अलग होगा। डीजे सार्जन लगाए ट्रक में, ये तो नजारे लगे। सबसे बड़ी बात है कि तो एंट्री एंट्री गलत मार दिया आपने ट्रक में, मेन बात पे होगी। मैं तो बाकी सब ट्रोले मारते हैं, ट्रक मारते हैं पहली बार ट्रक से सबसे बड़ी बात तोड़ दिया सबसे बड़ी बात ही लगा भाई साहब। फिर अभी काम पे लगते हैं भैया, अगले साल के लिए डर रहे हैं वो सब 25 तारीख में लगे भैया। पच्चीस के भी भैया इधर भैया अभी कुछ लोगों को ऐसे दिखा रहे हैं जो काफी मेहनत कर रहे हैं, और क्या मेहनत कर रहे हैं वो तो पता नहीं, अभी थोड़ा सा दिखाते हैं चलो। और डबल डबल ब्लॉगिंग चल रहा है, लाइव टूर्नामेंट चल रहा है, ये साधन भैया सुन रहे हैं। भैया जहाँ पर आप लोग बैठे हैं सांप नेवला छोड़ के रखे भाई, उसका रिक्स बिच्छू यहाँ बिच्छू खतरनाक अंदर है, अंदर कहाँ दे देगा फिर बोलिएगा नहीं। आप लोग घूम रहे हैं, आप लोग माहौल बताइए। हमारे अमर की मेरे लिए वही बहुत बड़ा बात है, वो तो आपकी बहुत बहुत बड़ी बात है। मेरा काम है बस जो वो तो हमें भी बताया आप 1500 वहाँ पर इस तरह से इतना क्रेज नहीं है, इस तरह से आपने आपको मिल रहे बातचीत बातचीत का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ पे यात्रा होती है आपके यहाँ पे
झारखंड में ऐसी यात्रा देखिए पहला बात तो ये भारत का सबसे बड़ा कंपेयर कर ही नहीं। तो आप पब्लिक को क्या कहना चाहोगे उत्तराखंड मतलब हरिद्वार मेले के बारे में? यही कहना चाहेंगे कि प्यार इस तरह से मिलते रहे ताकि हम लोग को और भी आने का मौका मिले इस लिए कहीं पे ज्यादा बोल के क्या बोलेंगे। ओके भैया, हर हर महादेव, हर हर जयकारा, हर हर महादेव। भाई एयरपोर्ट भी क्या सार्जन भाई। और एक चीज है, किसी का नाम मतलब जब वो ज्यादा मतलब एक के बाद जैसे सुनते गए तब वो मतलब आदमी के दिमाग में बैठ जाता है। जैसे होता है एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे गाड़ी का कोई ये सब मतलब ये सब पूछ रहे थे ना कि सार्जन क्या था, मतलब उसका नाम क्या ओरिजिनल, वो क्वेश्चन इसलिए आते पब्लिक तो की ब्लॉग में भी देखिएगा एकदम जो अपना नॉर्मल है उसी तरह से जो डेली रहने से दिखावा करके कोई फायदा नहीं। जो आप डेली रहने से कोई सपोर्ट नहीं, आप हर जगह ऐसे वो जो डेली आप रहने सकते हो वही रहेगी। मैं अपना भी बोल रहा हूँ और सबको भी बोल रहा हूँ, आज दिन दिखावा कर लेंगे तो फिर जो डेली मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे उसके तरह कितनी फायदा है। ये नहीं देखता कि वो बुजुर्ग है या जवान, ये आपके का ब्लड प्रेशर कैसा है और इनका ब्लड प्रेशर हाई तो है मतलब तभी पेट उसको असर वाइब्रेशन बेस अलग हो गया, वाइब्रेशन अलग हो गया। भोजन को तो ये भी नहीं पता कि बेस में और वाइब्रेशन में क्या है। बार खिंचवा लो ना कान की चाइन आप देख सकते हैं सेटअप इधर बंधा रहा है और तापस भैया इधर क्या हुआ? तापस भैया इतना चिंता में क्यों है? भैया का लाइव चल रहा है, यहाँ से दिखा रहे हैं। आप सभी का हमारे इस चैनल पे आप जैसे यहाँ आए हो आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले पूछना चाहता हूँ ये कितना नंबर वाला आपका स्वागत है? वाला पहले सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। जितना भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जितना भी चैनल में जितना भी आदमी देख रहे हैं पहले से बने हैं और भी जोड़िए और बाकी आप पूछिए जो भी पूछिएगा कोशिश करेंगे। तो आप 30 बेस का टारगेट लेकर चले थे या कुछ नया मतलब इससे भी ज्यादा लेकर आए थे? मेरा एक ही टारगेट है कि सुविधा कितना है, सुविधा बांध लेने का तो बांध लेंगे बोलेगा अभी भी बांध लेंगे। फिर पता चला कि रास्ता में काफी सारा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब मनोरंजन कम हो रहा है परेशानी ज्यादा हो रहा है, तो वो सारा चीज भी देखना है। कॉमेडी के हिसाब से भी चलना है, कोई ऐसा काम भी नहीं करना है जैसे कोई सरकारी सामान को नुकसान पहुंचे या किसी और को नुकसान पहुंचे, मतलब सब सेफ्टी सबसे पहले जरूरी है उसके बाद मनोरंजन। अच्छा, काफी सारा जन भी है, काफी सारा प्यार भी दे रहे हैं, जो साथ दे रहे हैं और हर एक आदमी जो भी आ रहे हैं उनका एक कहना है कि भैया कभी भी मेरा अगर जरूरत हो तो मैं हमेशा खड़ा हूँ, मैं उसके लिए कैमरा के सामने होगा धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं और अपने मेरे टीम के ऊपर। और आप कितने तारीख को निकलोगे सर यहाँ से जल्द लेकर बच्चों को? तो आप कैसे जाओगे यहाँ से? प्रशासन का कोई गाइडलाइन काफी खराब भाई है, मतलब क्या क्या गाइडलाइन हम उनके साथ चल रहे हैं उनको कहेंगे जैसे वो कहेंगे हम वैसा करेंगे, हम मुझे खिलाफ बिल्कुल नहीं मतलब गाइडलाइंस तो कुछ बताई होगी अधिकारियों ने आगे हिसाब से चल रहे हैं वो लिख के भी गए हैं उन्हीं के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और शुरू में भी बोले कि हम लोग ऐसा कोई भी चीज़ ऐसे नहीं करेंगे जिससे प्रशासन को हो या पब्लिक को दिक्कत हो। साजन भाई आप कब तक साउंड टेस्टिंग मारेंगे? पब्लिक बहुत देर से पूछ रही है कि कब साउंड टेस्टिंग मारेंगे। कमेंट से बड़ा है कि भूख लगने से ये नहीं देखा जाता कि खाना क्या है,
बताए इधर क्या खा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या परेशान है, कितना सोचेंगे तो कभी काम होगा नहीं। आपके लाभ बहुत दिल्ली देखो पब्लिक देखो आपके लिए भैया इतना मोबाइल में चल रहा है सप्ताह में लाइफ में आप अगर 12 कल देखेंगे एक दो तीन बजे तक आदमी का आ जा रहा है। चलिए गंभीरपुर वालों के लिए भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, देखते हैं मौका मिलता है तो आते हैं फिर इस बार। कमेटी 24 को बोल रहे कि 24 को मैं टेस्टिंग थी। हाँ। और जो कमेटी वो कहाँ जाने वाली है, मतलब जो कावड़ है मेरठ में कावड़ जाने वाली है वहाँ पे वर्ष लिखे वो सबसे ज़्यादा जैसे एक चीज़ होती है वहाँ पे ओके नहीं होती, लेकिन यूपी में होता है जो सब डीजे उनके बीच में कॉम्पिटिशन तो होता ही होता है। तो इस बार जैसे कोई कॉम्पिटिशन के लिए खड़ा होगा तो आपका क्या रिप्लाई रहेगा उसके लिए? देखिए वो कमेटी डिसाइड करता है, हमको जैसे सिर्फ बजाना, अगर होगा ये कॉम्पिटिशन तो आप पूरे तैयार रहोगे। और दोस्तों आज वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, ट्यूटर लग गया है इधर, इतना रात 2 बजे भी पब्लिक है, और ये वीडियो आज के लिए यहीं समाप्त है।